एंड्रॉइड के स्मार्ट लॉन्चर अगर आपने नहीं देखे तो ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। सबसे पहले जैसे एप्लीकेशन को ओपन करेंगे आपके सामने कुछ ऐसे इंटरफेस दिखने को मिलेंगे। गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देना है एंड यहाँ पे आपको आई एग्री टर्म्स कंडीशन पे क्लिक करना है। कंटिन्यू बटन पे क्लिक करते ही आपके सामने कुछ ऐसे परमिशन आएंगे, इसको आप लोग परमिशन कर दो। उसके बाद अलाउ बटन पे क्लिक करो। जैसे अलाउ बटन पे क्लिक करते हो आपके पास एक थीम पूछा जाने के लिए बोलते हैं। यहाँ पर आप अपने हिसाब से थीम ले सकते हो एंड कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे प्रो वर्जन लेने के लिए बोला जाता है लेकिन इसको आप क्लोज कर सकते हो। जैसे यहाँ पर आ जाते हो आपके सामने कुछ ऐसे नजारे दिखने को मिलते हैं, आपके फोन के लुक को पूरी तरीके से बदल दी जाती है। अगर आप यहाँ पे अपने फोन को ऐसे कस्टमाइज करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। इसके अंदर क्या क्या तगड़ा फीचर्स है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आप अपने हिसाब से न्यूज वगैरह कोई भी स्टोरी वगैरह सब कुछ यहाँ पर पढ़ सकते हो। साथ ही साथ अगर आप चाहो तो यहाँ पे क्लिक करके अपने लेआउट को चेंज कर सकते हो। यहाँ पर अगर आप चाहो तो अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज कर सकते हो। अगर आपको टॉपिक के कोई इंटरेस्ट नहीं है तो यहाँ पे क्लिक करके आप अपने हिसाब से टॉपिक चूज कर सकते हो। एंड यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसके अंदर अगर आप जाते हो, अगर आप होम बटन पे क्लिक करोगे यहाँ पे दिखने के लिए मिलते हैं स्मार्ट सर्च। अगर आप इसके अंदर आते हो तो यहाँ पे क्लिक करके आप अपने हिसाब से कोई भी फाइल को चूज कर सकते हो। ऊपर सेटिंग्स बटन दिखने को मिलते हैं जहाँ पे क्लिक करके आप अपने हिसाब से सर्च बार को कस्टमाइज कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो नीचे वाला सेक्शन पर तो यहाँ पे क्लिक करके आपके जो हिडन फाइल है वहाँ पे अपने हिडन फाइल को भी आप शो करवा सकते हो। इसी के साथ इसके अंदर और एक कमाल के फीचर है, अगर आप यहाँ पे देखोगे अपने मेनू बार के अंदर आपके सारे के सारे एप्लीकेशन दिखने के लिए मिल जाते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो आपको नीचे की तरफ दिखने के लिए मिल जाएंगे एक बार, जहाँ पे क्लिक करके आप अपने हिसाब से अलग अलग फोल्डर को कस्टमाइज कर सकते हो। यहाँ पे जैसे कि इंटरनेट, यहाँ पे जैसे कि गेमिंग, यहाँ पे आपका मीडिया, यहाँ पे आपका यूटिलिटीज एंड यहाँ पे आपकी सेटिंग्स। बस इतना ही नहीं, अगर आप ऊपर की तरफ क्लिक करते हो जैसे कि आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको और बार दिखने को मिलते हैं जहाँ पे आपको शॉर्ट करने की या फिर हिडन एप्लीकेशन यहाँ पे ऐड करने की फीचर्स दी जाती है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो अपने हिसाब से आप यहाँ पे कोई फोल्डर को ऐड कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर क्लिक करके आप कोई फोल्डर को ऐड कर सकते हो एंड यहाँ पे क्लिक करके आप प्ले स्टोर पे डायरेक्टली विजिट कर सकते हो। इस कमाल के एप्लीकेशन के जरिए आप किसी भी एप्लीकेशन को इजीली तरीके से हाइड कर सकते हो, यहाँ पर छुपा सकते हो, उसको छुपा कर रख सकते हो। अगर आप एक इजी और कस्टमाइजेशन वाला एक कमाल के एमुलेड लॉन्चर या फिर थीम इंस्टॉल करना चाहते हो तो इसके साथ आप आराम से जा सकते हो। होम बटन पे अगर आप प्रेस करके रखते हो यहाँ पर फोल्डर ऐड करने की जगह, विडगेट ऐड करने की जगह, अगर आप चाहो तो अपने हिसाब से कोई सा भी विडगेट यहाँ पे लगा सकते हो। जैसे कि आप लोग अगर देख पाओगे यहाँ पर बैटरी का अलग से आप लोग विडगेट लगा सकते हो। आपको किस टाइप के विडगेट चाहिए इसके अंदर वो भी आपको फीचर्स प्रोवाइड की जाती है। जैसे कि यहाँ पर अगर क्लिक करते हो तो इसको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज करके यहाँ पर कुछ इस तरीके से लगा सकते हो। साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो इस विडगेट को कुछ इस तरीके से आप अपने हिसाब से कस्टमाइज करके भी यहाँ पे रख सकते हो। इतना ही नहीं, यहाँ पे क्लिक करके आप वॉलपेपर चूज कर सकते हो। अगर आप चाहते हो अपने हिसाब से कमाल के वॉलपेपर फ्री में पाने के लिए तो इसके अंदर आपको वो भी पॉसिबल है। जैसे कि अगर आप देखोगे तो स्मार्ट कुछ वॉलपेपर आपके सामने आते हैं जिसको आप इस्तेमाल करके आपके फोन को लुक को और भी काफी तरीके से बदल सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पर अपीयरेंस दिखने को मिलते हैं, यहाँ पर क्लिक करके आपके थीम को पूरी तरीके से आप एडिट कर सकते हो। इसके अंदर पेज बैकग्राउंड वगैरह सारे के सारे चीज आप लोग कलर वगैरह सब कुछ यहाँ पर बदल सकते हो। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से आप अपने थीम के अंदर बदलाव ले सकते हो। अगर आप देखोगे तो इसके अंदर आइकॉन को अपीयरेंस दिखने को मिलते हैं जहाँ पर आप अपने आइकॉन को अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पे बात करें आप अपने हिसाब से फॉन्ट स्टाइल को चेंज कर सकते हो। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर अपने हिसाब से आप जो है फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं। इतना ही नहीं, इसके अंदर आपको भर भर के फॉन्ट दिखने को मिलते हैं, मतलब काफी तरीके की फॉन्ट दिखने को मिलते हैं जो आपको एक कमाल के परफॉर्मेंस देने वाले हैं। फोल्डर, विडगेट, स्क्रीन, डार्क मोड, ये सारे के सारे फीचर्स इसके अंदर अवेलेबल है। अगर आप चाहो तो अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज करके सेट कर सकते हो, मतलब आपके कुल मिलाकर जो भी कलर पसंद है उसके साथ आप इजीली तरीके से जा सकते हो। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों जगह पर लिंक रहेंगे। साथ ही साथ मैं आपके पास रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि ऐसे आपके लिए टॉप टॉप एप्लीकेशन हम ढूंढ कर निकाल पाए। और कमेंट करके बताना अगर आपके फोन में कोई भी प्रॉब्लम आ रहे हैं या फिर किसी भी तरीके की आप एप्लीकेशन के वीडियो देखना चाहते हैं तो।